और वहीं मानसून की दस्तक के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। हरियाणा में भी बदले मौसम से लोगों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर से हरियाणा में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर बारिश होगी। हरियाणा में सप्ताह के अंत तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदलेगा मौसम, हरियाणा के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मॉनसून टर्फ जैसलमेर, कोटा, गुना से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अरब सागर की ओर से नमी वाली हवाएं आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस दौरान 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तरी हरियाणा के जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिम और दक्षिण हरियाणा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे दिन में तापमान में गिरावट बने रहने की संभावना है। फिलहाल कुछ ही जगहों पर बारिश होने से राज्य के कई जिलों में गर्मी देखने को मिल रही है। कुछ समय तक इसी तरह से तापमान बने रहने की संभावना है, जिससे कि मौसम में गर्मी बनी रहेगी, जो कि उमस से लोगों के पसीने छुड़ाने का काम कर सकती है। लेकिन इसके बाद हरियाणा के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उमस और गर्मी दोनों को कम करने का काम वो करेगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है। क्या होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन? जब भी पश्चिमी विक्षोभ गुजरता है, तब हवाओं का एक चक्रवात बन जाता है, जिसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये सर्कुलेशन हवा और नमी का मिश्रण होता है, जो आगे जाकर बारिश करने का काम करता है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में 6 जुलाई को यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में, इसके साथ ही 7 जुलाई को पंचकुला में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि मौसम विभाग 6 और 7 जुलाई को पूरे हरियाणा में बरसात की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन इससे पहले 5 जुलाई की रात को भी कई जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। फिलहाल हरियाणा में 3 दिनों से बारिश को लेकर गतिविधियां थमी हुई हैं। नारनौल और अंबाला में 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अधिकतर जिलों में अभी गर्मी का सितम जारी है। अंबाला में 13 और नारनौल में 22 mm बरसात रिकॉर्ड की गयी है। उसके अलावा भिवानी, फरीदाबाद और हिसार में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई। फरीदाबाद को छोड़ दें तो सभी जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से नीचे बना हुआ है। फिलहाल सभी जिलों में तापमान नॉर्मल है।